तो नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, जो स्टेंजा नंबर थर्ड है, बहुत अच्छा स्टेंजा ये भी। इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। तो जो आपने सेकंड स्टेंजा देखा, सेकंड स्टेंजा उन्होंने जहाँ कंप्लीट किया, एक बार उसको मैं, जो लास्ट लाइन है उसकी, तो उन लाइनों को मैं फिर से उठा रहा हूँ जिससे इसका जो कनेक्शन है वो आपको समझ में आएगा ठीक से। वहाँ वो कह रहा है कि और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, क्या आप उन चीज़ों को टूटता हुआ देख सकते हैं जिन चीज़ों को बनाने में अपनी पूरी ज़िंदगी आपने लगा दी, क्या उन चीज़ों को भी आप टूटता हुआ देख सकते हैं। एंड स्टूप एंड वुल्ड देम अप विद वर्न आउट टूल्स, और क्या झुक करके उन टूटी फूटी चीज़ों से फिर से एक नया सामान, फिर से एक नई चीज़ बनाने का आप सोच सकते हैं या आप नई चीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के उसने आपके धैर्य की परीक्षा लेनी चाहिए, क्या आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप ऐसा कर सकते हैं। इसी चीज़ को उसने आगे बढ़ाया और अब बताया कि क्या आपके अंदर सफलता पाने के लिए, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सफल हूँ, लेकिन आपके अंदर सफलता पाने के लिए ज़बरदस्त रिस्क लेने का, ज़बरदस्त जोखिम उठाने का साहस है। तो इन बातों को वो किस तरीके से कहता है उसको देखिए कि इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, विनिंग्स का मतलब होता है जो आपने जीत लिया है, लेकिन यहाँ विनिंग्स का मतलब विनिंग्स से नहीं है, विनिंग्स का मतलब यहाँ कमाई से है, कि आपने जीवन भर में जो कमाया है क्या उस सारी कमाई का आप एक ढेर लगा करके रख सकते हैं। आपने जो कुछ भी अपने जीवन में कमाया है आपने उसको एक ढेर लगा करके अपने सामने रख लिया, एंड रिस्क, और फिर उस कमाई का जो भी आपने रख लिया है उसका जोखिम ले सकते हैं। आपने जीवन भर कमाया है, पहले इस बात को दिमाग में रखिए, एंड रिस्क, फिर उससे जोखिम लेना है, इट उसका ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, कि आप उसको पूरे को पिच एंड टॉस, हालांकि मैंने पिच एंड टॉस क्या है वो भी आपके लिए लिख दिया है, एक गेम है बेस्ड ऑन लक, जो लक के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें आपकी मेहनत का कुछ नहीं होता, आपका लक होता है, इन विच यू हैव इक्वल चांसेस ऑफ विनिंग और लॉसिंग, जिसमें बराबर बराबर चांस होते हैं कि आप हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं, केवल लक का खेल है। इसका मतलब गैम्बलिंग हो गई, सीधे सीधे जुआ हो गया। तो यहाँ वो कह रहा है कि आपने अपने जीवन भर में जितना कमाया आपने वो सारी कमाई का ढेर लगा लिया, एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। तो यहाँ मैं पिच एंड टॉस को गेम ना कहते हुए एक दाव कहूँगा, जो जुए में लगाया जाता है, कहते नहीं कि आप एक दाव पे सब कुछ रख सकते हैं। तो वही बात वो यहाँ बताना चाह रहा है, जैसे महाभारत में एक दाव पर सब कुछ रख दिया था कि पूरा राज्य रख देते हैं, तो ठीक इसी तरीके से कि इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, कि अपनी जीवन भर की कमाई का क्या आप ढेर लगा सकते हैं, एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न, और एक दाव पर पिच एंड टॉस कर सकते हैं उससे, एक दाव पर उससे जुआ खेल सकते हैं, एंड लॉस, और जुआ खेलने में भी आप हार गए तो हार कर एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग, क्या आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से आपने पहले स्टार्ट किया था, इतना सब कुछ कमाया था, क्या लौट करके वहाँ से फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, उस शुरुआत से क्या फिर से शुरू कर सकते हैं। एंड नेवर ब्रीद अ वर्ड अबाउट यू लॉस, एंड नेवर ब्रीद अ वर्ड, ब्रीद अ वर्ड, ब्रीद अ वर्ड का मतलब क्या हो गया, टू टेल अ सीक्रेट, यानी रहस्य को बताना। तो यहाँ वो क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो वो आपसे ये कह रहा है कि क्या आप अपने जीवन भर में जो भी कुछ आपने कमाया है क्या उसका रिस्क ले सकते हैं, कि आप उसे एक दाव पर लगा दें, और दाव पर लगाने के बाद भी क्या आपके अंदर इतना धैर्य है कि आप उस सब को हार करके फिर दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड नेवर ब्रीद अ वर्ड अबाउट यू लॉस, और जो कुछ भी तुमने खो दिया क्या आप उस रहस्य को कभी किसी को ना बताएं, कि आपके अंदर इतनी शक्ति है, जो भी आपने जीवन भर कमाया आप उसे हार गए, आपने रिस्क ली और सब कुछ आपका चला भी गया और फिर से आपने स्टार्ट भी कर दिया, लेकिन कभी भविष्य में जो कुछ आप हार गए, जो कुछ भी आपने रिस्क लिया था, आप उस रिस्क की चर्चा किसी से नहीं करें, आप इस सीक्रेट को किसी के सामने कहें नहीं,
क्या आपके अंदर इतना धैर्य है, क्या आपके अंदर इतनी शक्ति है, और ये सब कुछ आप सफल होने के लिए करते हैं। तो अगर आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप ऐसा कर सकते हैं, सामान्य स्थिति में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई आदमी सफल होने के लिए रिस्क लेता भी है, ठीक है, ऐसा बहुत से लोग करते हैं कि उनके पास जो कुछ भी है उन्होंने दाव पे लगा दिया, हाँ, लेकिन जब सब कुछ हार जाते हैं तो उसके बाद वो टूट भी जाते हैं। तो यहाँ पोइट आपके लिए ये बताना चाह रहा है कि क्या आप सफल होने के लिए अपना सब कुछ दाव पे लगा सकते हैं, लेकिन हारने के बाद फिर से दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा ना हो कि आप टूट जाएं। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो यू आर अ कंप्लीट मैन। इसके बाद नेक्स्ट इन्हीं लाइन को, इसी क्रम को उन्होंने फिर से आगे बढ़ाया है और वो कहता है कि इफ़ यू कैन फोर्स योर हर्ट एंड नर्व एंड स्नू, इफ़ यू कैन फोर्स योर हर्ट, हर्ट जानते ही हैं हृदय, नर्व जो तंत्रिकाएं होती हैं आपकी, वो आप नसें भी कह सकते हैं, एंड स्नू मांसपेशियां जो होती हैं वो, तो वो कहना चाहता है कि इफ़ यू कैन फोर्स योर हर्ट एंड नर्व एंड स्नू टू सर्व योर टर्न लॉन्ग, कि जब आपकी आपका जो हृदय है वो, जब आपकी मांसपेशियाँ हैं वो, जब आपकी तंत्रिकाएँ वो, क्या आप उन्हें फिर से काम करने के लिए कह सकते हैं, टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, और वो भी कब, जब वो थक गई हों। यानी यहाँ सीधे सीधे वो बात करना चाहता है ओल्ड एज की, जब आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हों, आपका जो शरीर है मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्या उस स्थिति में भी आप अपने शरीर से फिर से कह सकते हैं कि नहीं आप काम करो। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, और फिर वो कहता है एंड सो होल्ड ऑन, और तब भी आप डटे रह सकते हैं व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, जब तुम में कुछ भी शेष नहीं है। ओल्ड एज में एक ऐसी स्थिति आई, तुम में कुछ भी शेष नहीं है, यानी तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची, आपका हर्ट भी जवाब दे गया, आपकी जो नर्व हैं वो भी जवाब दे गई, आपकी जो मांसपेशियाँ हैं वो भी जवाब दे गई, और क्या उस कंडीशन में भी तुम डटे रह सकते हो जब तुम्हारे अंदर कुछ भी शेष नहीं है, एक्सेप्ट के सिवाय, किसके सिवाय शेष नहीं है, द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन, केवल एक इच्छा शेष बची है जो ये कहती है कि डटे रहो। तो इच्छा ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आदमी तो थक जाता है, अगर आपके अंदर किसी काम को करने की, कुछ बड़ा करने की, कुछ ऐसा करने की जो आपकी जिद है, आपके अंदर अगर इच्छा होती है तो वो इच्छा ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको थकने नहीं देती। तो कभी यहाँ जानना चाहता है कि क्या आपके अंदर कुछ बड़ा करने की ऐसी इच्छा है कि अगर आप बिल्कुल थक भी जाएं और तब भी वो आपके शरीर को थकने नहीं दे, तब भी वो आपके शरीर से, वो इच्छा आपके शरीर से जब ये कहे कि खड़े हो, दोबारा डटे रहो, अगर आपके अंदर इतनी शक्ति है, आपके अंदर ऐसी इच्छा है, तो यू आर अ परफेक्ट मैन, तब वो कहता है कि तुम एक पूर्ण व्यक्ति हो। हाँ, आप देखिए आपका जो थर्ड स्टेंजा है, तो सेंस तो मेरे ख्याल से थर्ड स्टेंजा का आपको ठीक से समझ आ ही गया होगा। सबसे पहले इसमें जिस पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है वो है सिम्बोलिज्म। तो पहले यहाँ आपको सिम्बोलिज्म को समझना है कि सिम्बोलिज्म होता क्या है, और उसके लिए स्टार्टिंग की जो दो लाइन है आप उन्हें एक बार फिर से देखिए। तो पोएट यहाँ कहता है कि इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, इफ़ यू कैन मेक वन हीप, क्या आप एक हीप बना सकते हैं, एक ढेर लगा सकते हैं, यानी आपका जो भी विनिंग्स है, जो भी आपने अपने जीवन भर में जीता है, जो भी आपने कमाया है, क्या उस सारी कमाई को निकाल कर आप एक जगह इकट्ठा रख सकते हैं, किसके लिए, एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न, और फिर उससे जोखिम उठा सकते हैं, ऑन वन टर्न, एक ही दाव में, ऑफ पिच एंड टॉस, क्या आप उस पूरी विनिंग्स से, उस पूरे पैसे से, उस पूरे धन से आप पिच एंड टॉस का गेम खेल जाएं, पिच एंड टॉस का गेम खेल जाएं, इसका मतलब आप एक जुआ खेल जाएं, और जुआ भी नहीं कहें, आप ये कहें कि आप उससे एक बहुत बड़ी रिस्क ले जाएं, क्योंकि गैम्बलिंग अपने आप में एक रिस्क होता है। तो यहाँ पहले आप इसको समझिए कि सिम्बोलिज्म होता क्या है। इट इज़ द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन अ वे दैट समथिंग हैज़ अ सिम्बोलिक और डीपर मीनिंग, इसमें किसी को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि उसका सिम्बोलिक और डीपर मीनिंग होता है, यानी वो प्रतीकात्मक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन जिस अर्थ में उपयोग किया जा रहा है उसका अर्थ उससे भी और गहरा होता है, अदर देन द अपेरेंट वन,
और जो स्पष्ट अर्थ उसका हमें दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पिच एंड टॉस है आपको बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये एक गेम है, ठीक। और हमें पता है कि जो गेम है वो एक गैम्बलिंग है, वो एक जुआ है, यानी एक रिस्क है। लेकिन यहाँ रिस्क के रूप में इसको प्रस्तुत तो किया जा रहा है, लेकिन रिस्क न होते हुए भी उससे भी और गहरा अर्थ है इसका कि ये एक बिगर रिस्क है। तो एक बड़ा जोखिम के रूप में इसे प्रस्तुत करने के लिए इस पिच एंड टॉस को सिंबल के रूप में यहाँ यूज़ किया गया है। तो जब किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के लिए सिंबल की तरह यूज़ किया जाता है, लेकिन जिसे यूज़ किया जाता है और जिसके लिए किया जाता है, तो जिसे यूज़ किया जाता है उससे भी उसका और गहरा अर्थ होता है। यानी यहाँ आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके की गैम्बलिंग है, लेकिन यहाँ इसे यूज़ किया गया है अब बिग गैम्बलिंग के लिए, एक बड़ी गैम्बलिंग के लिए, एक बड़े जुए के रूप में, एक बिगर रिस्क के रूप में। और कभी आपको यहाँ बताना चाहता है कि अगर आपकी बेटरमेंट की बात है, अगर आपकी भलाई की बात है, अगर कुछ अच्छे कारणों के लिए आपको बड़ा रिस्क लेना भी चाहिए, अगर कारण आपके अच्छे हैं तो आपको एक बड़ा रिस्क लेना भी चाहिए। तो इसलिए वो ये कहता है कि अगर आपको और ज़्यादा प्रोग्रेस करनी है तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने जीवन भर में जो कुछ भी कमाया है आप वो सारी कमाई को एक जगह रखें और उस कमाई से एक ही दाव में पिच एंड टॉस का गेम खेल जाएं। तो मेरे ख्याल से सिंबोलिज्म आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा यूज़ है इसका कि किसी एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के सिंबल के रूप में यूज़ किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से इसे यूज़ किया जाता है उससे भी काफ़ी डीपर मीनिंग लिए हुए ये होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगली लाइन में देखिए।